हुकूमत जमात इस्लामी का धरना खत्म कराने के लिए सरगर्म। मुसाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। तमाम गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का फैसला। 10 मुतालिबात पेश कर दिए गए। उम्मीद है अमल होगा। लियाकत बलोच की गुफ्तगू। मुजाकरात अच्छे माहौल में हुई। उम्मीद है बातचीत का अगला मरहला नतीजा खेज होगा। मुमकिन हद तक तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। अतातारण अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। बिजली का भारी बिल एक और जान ले गया। गुजरावाला में मरीजा खातून ने अदायगी के बाद नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना के मुताबिक रजिया ने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे मगर 17,000 रुपए का बिल आ गया। तवानाई शोबे में जामे और मुस्तकिल हिकमत अमली नागुजीर। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। सरमायाकारों से मुआहदे एकतरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ले रहे हैं। उम्मीद है ये आखिरी प्रोग्राम होगा। तहरीके इंसाफ का 5 अगस्त को जलसों और मुजाहिरों का ऐलान। 41 अरकान को PTI छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अस्खुद नोटिस ले। तहरीके इंसाफ का मुतालिबा। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। उमर अयूब का मुल्क भर में नए इंतखाबात का फिर से मुतालिबा। असद कैसर बोले मुखालिफीन का ख्याल था PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका मगर ऐसा नहीं हुआ। शेख वकास अक्रम की इंतजामिया को किसी भी एक्शन से बाज रहने की वार्निंग। अवाम पाकिस्तान पार्टी का कराची में के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के सामने मुजाहरा। जुलाई से सितंबर तक टैक्स खत्म करें। घरेलू सारिफीन पर टैक्स न लगाया जाए। किसी को फ्री में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल का मुतालिबा। और श्रीलंका ने विमेन T20 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में भारत को 8 विकेट से शिकस्त। मेजबान टीम ने 166 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया।